यह आप केरी का अचार बनाना बना हुआ देख रहे हैं। इसमें केरी के उपयोग, कच्ची केरियों को उपयोग किया गया है। केरी का अचार बनाने के लिए हम पाव केरी को काट के उस पे हल्दी नमक लगा दिया और रात भर रख दिया है। और इसके पश्चात ये जो बाज़ार में अचार मसाला मिलता है, किसी भी ब्रांड का हो, ये अचार मसाला आप ले लेंगे। और इस प्रकार अचार मसाले को 2 चम्मच मसाला लेना है। स्वाद के अनुसार आप मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो 3 चम्मच भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें सौंफ, धनिया और गरम मसाला, ये और मिला देंगे, क्योंकि इसमें कम मात्रा में होता है सौंफ, धनिया और गरम मसाला, इसलिए जो हम और मात्रा में मिला देंगे। और जो है तेल गरम करके अब हम, और इसमें हींग भी डालेंगे आप। हींग की अच्छी हींग जो है ना आपको मिले जाएगी, इस अच्छी प्रकार की हींग, तो वो स्वाद में भी अच्छी होती है और गुण भी करती है। बनाने के लिए आप लोहे के बर्तन ही काम लें। एल्यूमिनियम के बर्तनों का ताप गलनांक बहुत कम होता है, अर्थात 100 डिग्री से भी कम पे वो एल्यूमिनियम मेटल धातु जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है, इसलिए लोहे के बर्तन को ही ज़्यादातर प्रेफर करें। आप 1 बड़ा चम्मच, हमने 1 बड़ी कड़छी जो है ये सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें हम हींग और मसाला डालेंगे। तेल को गर्म हो जाने के बाद इसमें हींग डाल दी है, हमने हींग की मात्रा डाल दी है। हींग तल जाएगी, तत्पश्चात हमने जो सब मसाले किए हैं उनको गर्म हमने करने हैं। और अगर आप पानी का अचार बनाना चाहें तो इसमें ये करेंगे कि उबला हुआ पानी 1 कटोरी वो तैयार रखेंगे। मतलब क्या है कि अगर 1 सप्ताह का अचार बनाना है तो उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए यदि हम पानी डालेंगे तो। तो इस प्रकार हमने जो है ये तेल, ये मसाला डाल दिया है। मसाला डाल करके हम थोड़ा सा चला देंगे, ये गर्म हो गया है। और इसमें हम केरी मिला देंगे, और केरी जब मसाला अच्छी तरह, तेल और मसाला अच्छी तरह मिल जाएगा, आप देख रहे हैं तेल और मसाला मिल रहा है। स्वाद के अनुसार आप नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने अचार का मसाला कम मात्रा में डाला है, इसलिए हो सकता है कि नमक का स्वाद कम आए, क्योंकि ये मिर्ची बहुत, इसमें मिर्ची ज़्यादा होती है और मेथी दाना भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें अलग से सौंफ और धनिया डालने की आवश्यकता है। और आप इसमें जो है ये उबल जाएगा, थोड़ा सा पक जाए, पश्चात इसको पानी डाल करके, पानी में एक चम्मच पानी में नमक डाल देंगे। और ये नमक को जो है, जब ये केरी ज़्यादा सिजोनी नहीं है, हमको अचार को उबालना नहीं है ज़्यादा, और ये आप इसमें पानी डाल देंगे तो मेथी दाने और मसाले सारे फूल जाएंगे। मसालों की मात्रा बढ़ जाएगी।